तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीटीपी। इसका फुल फॉर्म है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो डीटीपी प्रोटोकॉल आपका है, बेसिकली हम जब ट्रंक लिंक वगैरह बनाते थे ना, दो डिवाइस के बीच में हम क्या कर रहे थे, एक ट्रंक लिंक कनेक्ट करते थे, मतलब दो स्विच के बीच हम एक ट्रंक लिंक लगाते थे। और उस ट्रंक लिंक का हम कैसे बनाते थे, हम मैनुअली कुछ कमांड्स चलाते थे, जैसे स्विच पोर्ट आपका हो गया, एनकैप्सुलेशन आपने डिफाइन कर दिया, फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने चला लिया। वो कमांड चला के हम क्या कर रहे थे, दो डिवाइस के बीच जो आपका लिंक है ना, उस लिंक को हम ट्रंक लिंक मैनुअली बनाते थे। उसे अगर हम डायनामिकली भी बनाना चाहे तो उस केस में भी हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो कि डीटीपी प्रोटोकॉल है, और ये आपका एक लेयर टू प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जितने भी सारे प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ेंगे स्विचिंग में, सारे आपका लेयर टू प्रोटोकॉल ही होंगे, क्योंकि स्विच आपका लेयर टू पे काम करता है। ठीक है, और ये भी एक प्रोटोकॉल आपका सिस्को के तरफ से है। ठीक है, ये सिस्को का ही प्रोटोकॉल है, मतलब ये सिस्को के डिवाइस पे ही आपका चलेगा, किसी दूसरे डिवाइस पे आप इसे नहीं चला सकते, सिर्फ सिस्को के डिवाइस ही इसे सपोर्ट करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, दो डिवाइस के बीच जो आपका ट्रंक लिंक है ना, दोनों तरफ उस ट्रंक लिंक को नेगोशिएट करके अप ले आना, इसका काम यही होता है। तो इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं जाऊँ तो इसका डेफिनेशन मैं लिखूँगा, डीटीपी इज यूज टू तो डीटीपी आपका क्या होता है, डीटीपी इज यूज टू नेगोशिएट ट्रंकिंग बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। मतलब आपका ऐसा है, ये आपका स्विच वन हो गया और स्विच टू, अगर ये दो डिवाइस आपका डायरेक्टली एक ही लिंक के साथ कनेक्टेड है तो दोनों तरफ ट्रंकिंग का जो है ना, वो ट्रंक को आप डायनामिकली बनाने के लिए आप डीटीपी का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल आपका है, आप इसे यूज करके क्या कर सकते हो, डायनामिकली जो है आप ट्रंकिंग बना सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोटोकॉल आपका काम करता है, अगर किसी प्रोटोकॉल का आप किसी डिवाइस के ऊपर एनेबल करते हो तो उसके लिए आपका एक मल्टीकास्ट ग्रुप होता है, लेयर टू डिवाइसेस होते हैं, तो उनके लिए आप मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को आपको याद रखने की जरूरत पड़ता है। अगर लेयर थ्री के प्रोटोकॉल है तो उनके लिए आपको मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रखने की याद रखने की जरूरत होता है, हालांकि उनके लिए भी उस आईपी एड्रेस के लिए स्पेसिफिकली आपका एक मैक एड्रेस होता है अलग सा मल्टीकास्ट का, लेकिन हमें उसमें बेसिकली आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत पड़ता है कि कौन से आईपी एड्रेस का, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का वो ग्रुप है। तो यहाँ पे जैसे ये एक लेयर टू प्रोटोकॉल है, तो हमें देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना पड़ता है कि ये कौन से मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का ग्रुप होता है, कौन से मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ग्रुप का मेंबर होता है। इट यूज डेस्टिनेशन मैक, कौन सा मैक है आपका, 0100.0ccc। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था कि VTP भी आपका ये वाला मैक एड्रेस यूज कर रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें क्या है, सिस्को के जितने भी सारे आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे ना, सारे प्रोटोकॉल आपको यही मैक एड्रेस यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी सिस्को के VTP हो गया, DTP हो गया, आपका STP का जो भी फ्लेवर है जो सिस्को के तरफ से बनाया गया है वो भी हो गए, CDP आपका हो गया, जो भी प्रोटोकॉल आपके पास होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यही वाला मैक एड्रेस आपको यूज करते हुए देखने को मिलेंगे डेस्टिनेशन में। हमेशा जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास DTP का मैसेज भेजता है तो वो क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस में वो अपना ही जो मैक एड्रेस है इंटरफेस का, उसी का मैक एड्रेस यूज करता है, और डेस्टिनेशन में आपका जो मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला मैक एड्रेस वो यूज करता है। ठीक है, और आगे भेज देता है, क्योंकि ये कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है, मतलब कोई प्रोटोकॉल के जरिए जनरेट हो रहा है, और स्विच का जो स्विच इंटरफेस होता है या फिर स्विच पोर्ट होता है, उस स्विच पोर्ट का मैक एड्रेस तभी यूज आता है जब भी स्विच कोई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक या फिर कोई दूसरे डिवाइस के लिए ट्रैफिक खुद जनरेट करता है। तो यहाँ पे स्विच ही जनरेट कर रहा है DTP का मैसेज। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आगे है और एक स्विच, तो ये डिवाइस जो DTP मैसेज जनरेट कर रहा है ना, ये मैसेज इसी स्विच तक ही रिसीव होगा, इससे आगे ये नहीं जाएगा, इससे आगे वो नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको आप एक मान सकते हो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब क्या है, ये मेरा डिवाइस एक ही लिंक पे कनेक्टेड है, तो इसे टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोलते हैं, ये जो लिंक है ना आपका, ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, मतलब इसके दोनों एंड पे दो डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है
और उन्हीं दोनों के बीच में अगर कोई हम कनेक्शन करा सॉरी कोई कम्युनिकेशन कराते हैं तो उसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक लिंक आपके पास है, उसके बीच में कोई डिवाइस वगैरह आपका नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वो दो डिवाइस आपका कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे स्विच वन और स्विच टू मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे DTP का मैसेज भी जब भी आपका मतलब ट्रांसफर होता है या फिर सेंड किया जाता है तो वो क्या होता है, आगे जो डिवाइस मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी तक ही वो पहुँचता है, उससे आगे वो नहीं जाता है, क्योंकि एक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। और हालांकि जब भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके सामने कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 01000CCCC यूज करता है, तो यहाँ पे आपका डिवाइस कैसे पहचानेगा ये DTP का मैसेज है या क्या मैसेज है, कोई बता सकता है? अगर लास्ट क्लास में किसी ने ध्यान दे के थोड़ा पढ़ा है तो कैसे डिवाइस मतलब उसको कैसे पहचान में आता था कि ये CTP का मैसेज है? चलो ठीक है, अच्छी बात है आपको याद नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका CTP के लिए भी आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यही होगा, DTP के लिए भी आपका यही होगा, VTP के लिए भी यही होगा। तो मैंने आपको उस टाइम दिखाया था पैकेट फ्लो, जब हम पैकेट का जो कैप्चर था ना उसको जब मैंने निकाला था तो आपको एक LLC करके मैंने फील्ड के बारे में बताया था, लॉजिकल लिंक कंट्रोलर, जो कि इथरनेट हेडर के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपको शो करा रहा था, उसके अंदर हमको दिखा रहा था एक प्रोसेस ID जिसके अंदर लिखा हुआ था ये CDP का मैसेज है, CDP करके लिखा हुआ था, तो भी हमें समझ में आ रहा था ये CDP का मैसेज है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हालांकि आपको कभी कभी इंटरव्यूअर भी आपको ये पूछ लेता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो क्या यूज करता है VTP, तो आप बता देते हो ये वाला, फिर CDP का वो पूछ लिया तो आपने बता दिया सेम वाला, तो फिर आपका एक्चुअली क्या होता है, लेयर टू प्रोटोकॉल को पहचानने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का मैसेज, डिवाइस एक्चुअली डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज करता है। हर एक प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग सा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है, उस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस से वो पहचान लेता है आपका डिवाइस ये कौन से प्रोटोकॉल का मैसेज है। लेकिन जब सिस्को के प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करते हैं तो हर एक सिस्को का प्रोटोकॉल यही सेम मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका यूज करते हैं, तो उस केस में आपका डिवाइस क्या करता है, उस LLC वाले फील्ड या फिर लॉजिकल लिंक कंट्रोलर वाला फील्ड के अंदर एक प्रोसेस आईडी होता है, उस प्रोसेस आईडी से वो पहचानता है ये कौन से वाला प्रोटोकॉल का मैसेज है। उसे पहले पता चल जाता है ये वाला है, अगर सिस्को का डिवाइस आपका है और ये वाला डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा है तो इसका मतलब कोई सिस्को का प्रोटोकॉल का मैसेज मेरे पास आ रहा है। फिर LLC का पैकेट खोलने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये कौन सा CDP का है, VTP का है, किसका मैसेज है। ठीक है, और आपका DTP जो है ये वाला डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका यूज करता है। तो DTP में आपका कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी मोड से पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे। ठीक है, तो DTP के लिए सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स मतलब DTP चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। दूसरी हम यहाँ पे देखेंगे कि DTP चलाने से पहले हमारे पास कुछ कंडीशन है क्या, कुछ कंडीशन वगैरह DTP चलाने से पहले हमारे पास है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आपका होता है DTP मोड्स शुड बी कंपैटिबल। आपका सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, DTP मोड्स शुड बी कंपैटिबल। DTP का कुछ मोड्स होते हैं अगर आप DTP चलाते हो, और दोनों तरफ का जो आपका मोड है ना वो मोड आपका कंपैटिबल होना चाहिए। और कौन कौन से मोड किसके साथ कंपैटिबल है DTP मोड के बारे में हम इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, तो भी हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आप दो डिवाइस के बीच DTP एनेबल कर रहे हो और DTP के जरिए आप ट्रंक बना रहे हो तो वो जो लिंक जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट है, डिवाइस का जिस पोर्ट से आपका दो डिवाइस जो जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, उस दोनों पोर्ट का मतलब दोनों तरफ का जो पोर्ट है उसका ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन आपका सेम होना चाहिए। आपके पास दो ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन होते हैं, एक आपका ISL हो गया, एक .1Q हो गया। एक तरफ अगर एक स्विच के ऊपर आपने ISL चला के रखा है तो दूसरे तरफ भी आपको ISL चलाना है। एक तरफ आपने .1Q चला के रखा है तो दूसरे तरफ भी आपको .1Q ही चलाना पड़ेगा। एक तरफ ISL और दूसरे तरफ .1Q चला के आप DTP एनेबल करके काम नहीं कर सकते, ये आपका DTP ट्रंकिंग नहीं बनेगा आपका लिंक। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, एक तरफ आपका ISL दूसरे तरफ भी आपका ISL इसमें हो जाएगा। एक तरफ आपका .1Q अगर आप लेते हो, दूसरे तरफ भी आपने .1Q ले लिया तो भी सही है, लेकिन एक तरफ ISL दूसरे तरफ आपका .1Q
ये आपका नहीं होगा, आपका ट्रंक लिंक जो है सक्सेसफुली ट्रंक आपका नहीं बनेगा। और आपका और एक कंडीशन होता है VTP डोमेन ठीक है, दोनों तरफ आपका VTP का डोमेन नेम जो है वो सेम होना चाहिए। हालांकि VTP डोमेन नेम क्या है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम जब VTP के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। आप बस अभी के लिए देख लो कि आप याद रखो एक पॉइंट कि VTP का जो डोमेन नेम होता है वो डोमेन नेम आपका दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ताकि VTP के टाइम हम याद कर लेंगे कि ये डोमेन नेम क्या होता था। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे मैंने लिखा था DTP मोड शुड बी कंपैटिबल। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो DTP के लिए अगर हम बात करते हैं मोड के बारे में, हमारे पास तीन मोड्स होते हैं। पहली मोड हमारे पास होता है डायनामिक ऑटो। ठीक है, आप जब भी DTP कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो और आप डायनामिक ऑटो अगर एनेबल करते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, जिस डिवाइस के ऊपर, जिस इंटरफेस के ऊपर आप डायनामिक ऑटो एनेबल कर लेते हो वो कोई नेगोशिएशन मैसेज खुद नहीं भेजता है, वो बस वेट करता है कि मेरे पास कोई दूसरे नेगोशिएशन मैसेज आ जाए तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे लास्ट क्लास मैंने बात किया था कि आपको कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जो कि किसी को प्रपोज वगैरह नहीं करेंगे, वो बस इंतज़ार करेंगे कोई मुझे भाई प्रपोज कर ले तो मैं लव के लिए आगे बढ़ जाऊँगा, इस तरह का बात यहाँ पे। ठीक है, अगर डायनामिक ऑटो किसी इंटरफेस के मोड को आप रख लेते हो, DTP का मोड डायनामिक ऑटो रख लेते हो, तो उसमें क्या होता है वो हमेशा इंतजार करता है, इट विल वेट फॉर ए नेगोशिएशन मैसेज फ्रॉम द अदर एंड डिवाइस। ठीक है, दूसरे एंड पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके तरफ से कोई नेगोशिएशन मैसेज आता है तो ही वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रंक बनाना या नहीं बनाना है वो डिसीजन लेता है, लेकिन खुद कोई मैसेज आगे नहीं भेजता है। ठीक है, अगर आपका मोड डायनामिक ऑटो है तो ये क्या करेगा, आपका ट्रंकिंग नेगोशिएशन का कोई भी मैसेज आगे नहीं भेजेगा, बट ये क्या करेगा आपका इंतजार कर सकता है नेगोशिएशन मैसेज के लिए। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मोड है जिसको हम बोलते हैं क्या, डायनामिक डिजायरेबल। ठीक है, तो डायनामिक डिजायरेबल यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यह है कि ये डिवाइस जिस इंटरफेस के ऊपर आप डायनामिक डिजायरेबल वाला मोड एनेबल कर लेते हो ना, तो ये डिजायर रखता है कि हाँ मैं ट्रंक बनूंगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, इसके नाम के हिसाब से ये आगे नेगोशिएशन का मैसेज दे देता है। डायनामिक ऑटो में ये क्या करता था, नेगोशिएशन मैसेज आगे नहीं देता था, लेकिन डायनामिक डिजायरेबल में क्या है, आप किसी भी इंटरफेस को अगर डायनामिक डिजायरेबल बना लेते हो तो वो क्या करता है, ट्रंकिंग नेगोशिएशन का मैसेज आगे भेज देता है। ठीक है, अगर किसी इंटरफेस का मोड आपका डायनामिक डिजायरेबल है तो यह क्या करता है, आपका जो ट्रंकिंग नेगोशिएशन का मैसेज है वो भेज लेता है। ठीक है, अगर किसी तरफ आप देख लो, आपने एक तरफ आपने डायनामिक ऑटो बना लिया और दूसरे तरफ आपने डायनामिक डिजायरेबल बना लिया, तो ऑटो हमेशा आपका क्या करता है, नेगोशिएशन मैसेज के लिए इंतजार करता है, और डायनामिक डिजायरेबल आपका क्या करता है, नेगोशिएशन मैसेज आगे भेज देता है, तो उसमें भी आपका ट्रंकिंग बन जाता है। हालांकि थोड़ी देर आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से मोड पर हम क्या कर सकते हैं। अभी मैनुअली ट्रंक आप DTP का एक मोड नहीं मान सकते, फिर भी मैं तीन नंबर वाले मोड पे यहाँ पे लिखता हूँ। मैनुअली ट्रंक मतलब अभी तक जो ट्रंक लिंक हमने बनाया, जो भी कहानी हमने अभी तक देखा ट्रंक लिंक बना के,
वो सारे कहानी हमारा इसी ऑप्शन पे ही था, मैनुअली वाला ट्रंक। हम जितने भी कहानी बनाए मैनुअली वाला ट्रंक। लेकिन अगर किसी इंटरफेस को अगर हम मैनुअली ट्रंक बना लेते हैं, फिर भी उस इंटरफेस से आपका डीटीपी का नेगोशिएशन मैसेज चलता रहता है। इसलिए मैं ये डीटीपी का मोड आप नहीं समझ सकते, इसलिए मैं इसे क्रॉस भी लगाता हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरफेस को मैनुअली ट्रंक बनाते हो, फिर भी वो आगे क्या करता है, डीटीपी का जो मैसेज है ना उसको भेजता रहता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, मैं दूसरे वाला पॉइंट भी आपका लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप किसी भी पोर्ट को अगर आप मैनुअली ट्रंक बनाते हो, तो फिर भी ये क्या करता है आपका उस इंटरफेस से वो आगे डीटीपी का मैसेज भी भेज सकता है। तो ये हमने तीन मोड के बारे में देखा कि डीटीपी में क्या मोड हो सकता है। दो ही मोड डीटीपी में है, एक डायनामिक ऑटो और एक डायनामिक डिजायरेबल आपके पास है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे थे, तो डीटीपी मोड शुड बी कंपैटिबल। अभी हम बात करेंगे, हमने सबसे पहले देख लिया कि डीटीपी में क्या क्या मोड होते हैं, अभी हम इसके कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये जो लाइन हमने लिखा था डीटीपी मोड शुड बी कंपैटिबल, तो क्या क्या मोड हमारा कंपैटिबल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिनेरियो वन में ले लेता हूँ कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। आपका डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक ऑटो, मैं दोनों तरफ डायनामिक ऑटो का मोड लेता हूँ, इसको आप सिनेरियो वन मान सकते हो। तो इसमें क्या है, एक स्विच मैंने ले लिया, दूसरे भी स्विच मैंने ले लिया, ये इंटरफेस को मैंने डायनामिक ऑटो वाले मोड पे दे दिया, ये इंटरफेस को मैंने डायनामिक ऑटो बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ट्रंकिंग नेगोशिएशन नहीं होगा। आपका दोनों तरफ अगर डायनामिक ऑटो और डायनामिक ऑटो है, तो उस केस में आपका ट्रंकिंग का नेगोशिएशन नहीं होता है। मैं लिख लेता हूँ, इसको डायनामिक ऑटो समझ लेना। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ डायनामिक ऑटो और डायनामिक ऑटो रख लेते हैं, तो इसमें आपका ट्रंकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका ट्रंकिंग, इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी आपका आगे जो है ना नेगोशिएशन का मैसेज नहीं भेजेगा। कोई एक तो नेगोशिएशन के लिए मैसेज भेजे तो भी कुछ होगा ना। अगर मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप शुरू नहीं कर रहे हो बात करना, या फिर मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ बात करना, तो हम दोनों के बीच में बातचीत होगा कैसे, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ हो रहा है। दोनों तरफ अगर आप डायनामिक ऑटो बना लेते हो, तो उसमें क्या है, दोनों तरफ से कोई भी आगे नेगोशिएशन का मैसेज दे ही नहीं रहा है, तो इसमें आपका जो डीटीपी का जो काम है डायनामिकली ट्रंक बनाना, वो अचीव नहीं होगा। तो आपका ऐसे ही है। इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, अगर दोनों तरफ मैं डायनामिक ऑटो कर लेता हूँ, तो इसमें मेरा ट्रंकिंग बनेगा नहीं। डायनामिकली जो ट्रंक मेरे को बनाना था वो मेरा बनेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो नेगोशिएशन का मैसेज कोई भी नहीं भेज रहा है।
तो इस केस में आपका डीटीपी का भी कुछ हेलो मैसेज और होल्ड डाउन टाइमर होता है, वो टाइमर खत्म होते ही आपका क्या होता है, दोनों तरफ का जो मोड है ना, ये टाइम आप हटा दो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, अगर आप दोनों तरफ जो है डायनामिक ऑटो अगर मोड कर लेते तो दोनों तरफ से कोई नेगोशिएशन मैसेज आपका पास नहीं होता, इसलिए वो तो ट्रंकिंग नहीं बनते। फिर आपका क्या होता है, दोनों तरफ का जो मोड है वो डायनामिक एक्सेस बन जाता है। मतलब जो एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के बारे में हमने बात किया था ना, मैनुअली हम कर रहे थे, तो जो आप एक्सेस पोर्ट बना रहे थे वो एक्सेस पोर्ट आपका था मैनुअली एक्सेस, आप जो बना रहे थे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना के आप कमांड चला रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, वो डायनामिक एक्सेस बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये दोनों पोर्ट आपका अभी क्या होंगे, ट्रंक लिंक के जरिए, ट्रंक लिंक के बदले ये क्या करेंगे, एक्सेस लिंक के जैसे काम करना शुरू कर देंगे, और इसको आप डायनामिक एक्सेस बोलते हो, ठीक है। जैसे अगर आप कोई स्विच को स्टार्ट कर लेते हो तो स्टार्ट करते ही सारे स्विच के पोर्ट क्या होते हैं आपका, बाय डिफॉल्ट ये वाले मोड पे, आपका डायनामिक ऑटो वाले मोड पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या होता है सारे, इसीलिए, और ये डायनामिक एक्सेस बनते ही ये क्या होगा, और भी एक पॉइंट में लिख लेता हूँ, एंड इट विल बी ठीक है, डायनामिक एक्सेस बनते ही ये जो हमारे पास डिफॉल्ट वीलन है ना, वीलन नंबर वन, उसका ही मेंबर बन जाता है। जैसे आप स्विच स्टार्ट करते हो आपको जैसे देखने को मिलते हैं ना सारे पोर्ट्स आपके क्या होते हैं, वीलन वन का मेंबर होते हैं, इसी तरह ये क्या होगा, जो भी आपके पास डिफॉल्ट वीलन पड़ा होगा वीलन वन, ये पोर्ट उसी का ही मेंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास था सिनेरियो वन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एक तरफ का मोड मेरा डायनामिक डिजायरेबल है, दूसरे तरफ का भी मेरा डायनामिक डिजायरेबल है, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर मेरा मोड डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक डिजायरेबल दोनों तरफ है, ट्रंकिंग आपका हो जाएगा। कैसे होगा, अभी डायनामिक डिजायरेबल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या करता है पोर्ट, डायनामिक डिजायरेबल मोड बनते ही ये एक नेगोशिएशन का मैसेज देता है, तो ये एक आगे नेगोशिएशन का मैसेज दे देगा, ये भी आगे नेगोशिएशन का मैसेज दे देगा। तो आपको आपको पता है अगर एक तरफ से भी कोई नेगोशिएशन मैसेज आ जाता है ना, तो दूसरे तरफ क्या कर, दूसरे तरफ आपका क्या करता है, ट्रंक बना लेता है। तो इसी तरह ये नेगोशिएशन मैसेज जो भेजेगा इसको रिसीव हो जाएगा, ये भी जब भेजेगा आपका क्या होगा, इसको रिसीव हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये क्या कर लेंगे, अपने जो लिंक का मोड है ना उसको ट्रंक बना लेगा डायनामिकली, ये क्या कर लेंगे आपका ट्रंक बना लेंगे। तो इसमें भी आपका ट्रंक लिंक अचीव हो जाएगा, ये आपके पास दूसरी सिनेरियो है। तीसरी में क्या है, एक तरफ मैं डायनामिक ऑटो रखता हूँ, दूसरी तरफ जो है डायनामिक डिजायरेबल रखता हूँ, फिर भी मेरा ट्रंकिंग बन जाएगा। इस तरफ मैंने डायनामिक ऑटो रखा, इस तरफ मैंने डायनामिक डिजायरेबल रखा। तो ये जैसे कि डायनामिक ऑटो है तो ये आगे कोई आपका नेगोशिएशन का मैसेज नहीं भेजेगा, लेकिन ये वाला नेगोशिएशन का मैसेज आपका जो है आगे भेज देगा। और ये मैसेज जो नेगोशिएशन का मैसेज इसके पास रिसीव होते ही दोनों तरफ ये क्या कर लेंगे, ट्रंक लिंक आपका बना लेंगे। सक्सेसफुली जो लिंक आपका है वो ट्रंक लिंक आपका बन जाएगा। और हमारे पास चौथा एक होता है, एक तरफ अगर मैंने मैनुअली ट्रंक बना के रखा और दूसरी तरफ मैंने डायनामिक ऑटो रखा तो भी मेरा ट्रंकिंग हो जाएगा। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ता है बस कौन से मोड पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने मैनुअली किया और इस तरफ मैंने डायनामिक ऑटो रखा,
तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर किसी इंटरफेस को आप मैनुअली ट्रंक बना लेते हो तो भी वो क्या करता है, आगे आपका एक नेगोशिएशन मैसेज डीटीपी का मैसेज जो है ना वो चलता रहता है उसमें, वो बंद नहीं होता है। लेकिन हम चाहे तो उसे बंद कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो मैं डीटीपी का मैसेज जो है वो भी बंद कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हो, डीटीपी के मैसेज बंद नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, जिस पोर्ट को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हो ट्रंक, उससे भी आपका आगे क्या है एक नेगोशिएशन मैसेज डीटीपी का आप या फिर डीटीपी का मैसेज आगे चलता रहता है। और ये पोर्ट जब भी वो नेगोशिएशन मैसेज को रिसीव कर लेता है, ये ट्रंकिंग क्या करता है, बना लेता है, ठीक है। और डायनेमिक ऑटो वाले पोर्ट से नेगोशिएशन मैसेज नहीं जाता है, लेकिन डीटीपी का मैसेज सेंड रिसीव होता रहता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका पोर्ट एक बार क्या होता है, डायनेमिक ऑटो जो पोर्ट है ना वो नेगोशिएशन के लिए इंतजार करता है। एक बार आपका नेगोशिएशन हो गया, उसके पास कोई नेगोशिएशन मैसेज मिल गया ना, फिर उसके बाद डीटीपी का मैसेज वो भी भेजता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस केस में भी आपका ट्रंकिंग जो है वो बन जाता है, एक तरफ अगर आप मैनुअल रखते हो और दूसरी तरफ अगर आप डायनेमिक ऑटो रखते हो। और हमारे पास एक पांचवा सिनेरियो होता है, एक तरफ आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया, दूसरे तरफ आपने डायनामिक डिजरेबल रख लिया। इस केस में भी आपका हो जाएगा, दोनों तरफ से आपका नेगोशिएशन मैसेज चलते रहते हैं, इस तरफ आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया, इस तरफ आपने डायनामिक डिजरेबल रखा, दोनों तरफ से नेगोशिएशन मैसेज होता है और आपका ट्रंकिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पांच कंपैटिबिलिटी याद रखना पड़ता है। आपको बेसिकली याद रखना पड़ता है कि एक ही केस आपके पास होता है, दोनों तरफ अगर डायनामिक ऑटो और डायनामिक ऑटो है तो उस केस में आपका ट्रंकिंग जो है वो नहीं होता है। और बाकी जितने भी केसेस मैंने आपको बताया, सारे केस में आपका दोनों तरफ अगर डायनामिक डिजरेबल डिजरेबल है तो उस केस में भी हो जाता है, दोनों तरफ अगर एक तरफ डायनामिक ऑटो दूसरे तरफ डायनामिक डिजरेबल है तो भी हो जाता है, और एक तरफ अगर मैनुअली है दूसरे तरफ डायनामिक ऑटो या डायनामिक डिजरेबल कुछ भी हो तो उस केस में आपका हो जाता है। मतलब आपको ऐसे याद रखना है, दोनों तरफ अगर डायनामिक ऑटो है तो आपका ट्रंकिंग नहीं होता है, और एक तरफ अगर आपका मैनुअली या फिर डायनामिक डिजरेबल दोनों में से कोई अगर एक भी एक तरफ आपने करके रखा तो उस केस में आपका ट्रंकिंग जो है वो आपका हो जाता है। और डॉट वन क्यू आई एस एल वो तो नेगोशिएशन आपका दोनों तरफ जो है एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपका सेम होना चाहिए। और थोड़ा एक चीज बताई, डीटीपी टाइमर, फिर हम प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे, ठीक है। तो डीटीपी टाइमर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक हेलो टाइमर होता है डीटीपी का, आपका 30 सेकेंड का होता है, और एक आपका होता है होल्ड डाउन टाइमर, ये आपका होता है 300 सेकेंड का, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर डीटीपी का मैसेज क्या होता है, आपका एक बार ट्रंक बन गया, वो एक बार आपने पोर्ट को ऑफ किया तो उसके बाद आपने कुछ भी मोड चेंज किया तो उस केस में आपका क्या है, एक ट्रिगर मैसेज चला जाता है डीटीपी का, या फिर नेगोशिएशन मैसेज आप मान सकते हो चला जाता है। फिर उसके बाद आपका एक बार ट्रंकिंग बन गया, फिर आपका ये हेलो मैसेज जो है वो चलता रहता है हर 30 सेकंड में एक बार, और हर एक बार जो हेलो मैसेज आपका आगे जाएगा दूसरे डिवाइस के पास वो क्या होता है, होल्ड डाउन टाइमर के साथ वो आपका जो टेबल होता है डीटीपी का, जो भी टेबल वगैरह होता है उसमें वो क्या होता है, होल्ड डाउन टाइमर के साथ सेट हो जाता है उसके लिए। अगर हर 30 सेकंड के बाद फिर आपका होल्ड ऑन टाइमर जो है वो रिफ्रेश भी होता रहता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास उस CDP के बारे में बताया था, सेम यहाँ पे भी होता है। लेकिन अगर 300 सेकंड के अंदर कोई हेलो मैसेज आपके दूसरे डिवाइस को रिसीव नहीं हुआ तो उस केस में वो क्या करता है, आपका जो डीटीपी का जो भी कैपेबिलिटी उसके पास था या फिर जो भी मोड उसने बनाया था उसे लूज कर देता है। फिर उस केस में हो सकता है आपका पोर्ट जो है डायनामिक एक्सेस फिर से बन जाए। और हेलो और होल्ड डाउन में आपका हर एक प्रोटोकॉल के लिए सेम चीज होगा, हेलो मैसेज आपका जो पीरियोडिकली मैसेज चलेगा उसके लिए क्या टाइमर है वो आपको पता चलेगा, होल्ड डाउन मतलब कितने देर तक अगर कोई हेलो मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो भी एंट्री बना रहा हूँ या फिर जो भी कैपेबिलिटी मैंने बना कर रखा उसे लूज कर दूँ, ये चीज़ आपके पास होता है।
ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेंगे। ये स्विच ऑन हो गया मेरे पास। इसको स्विच टू मैंने कर लिया, कहाँ गया वो, और ये मेरे पास हो गया स्विच वन। ठीक है, अभी स्विच वन और स्विच टू अगर आप ये टोपोलॉजी पे देखोगे तो इथरनेट 0x1 जो पोर्ट है ना, उस पोर्ट के साथ मेरा कनेक्टेड है। तो स्विच वन पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्या क्या बाय डिफॉल्ट हमें मोड्स देखने को मिलते हैं, अगर सॉब हिल एंड ब्रीफ अगर हम करते हैं तो उस केस में आपको दिख जाएगा कि मेरे पास अभी चार ही पोर्ट है इस डिवाइस के ऊपर, सारे पोर्ट मेरा विलन वन का मेंबर है। और किसी पोर्ट के बारे में अगर हम कोई लेयर टू का कैपेबिलिटी या फिर स्विचिंग कैपेबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपको एक कमांड चलाना पड़ता है सो इंटरफेस, उसके बाद मेरा ये वाला इंटरफेस पे ये कनेक्ट है, उसके बाद आपको एक कमांड चलाना पड़ता है स्विच पोर्ट। इसमें जितने भी लेयर टू प्रोटोकॉल का कैपेबिलिटी जो भी आपके पास है, DTP का हो गया, BTP का हो गया, आपका जो भी लेयर टू कैपेबिलिटी हो गया, तो वो सारे चीज़ स्विच पोर्ट का कैपेबिलिटी आपके पास देखने के लिए या फिर स्विच पोर्ट का जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसके स्टेटस देखने के लिए एक इंटरफेस के लिए आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ता है शो इंटरफेस, इंटरफेस का नाम और नंबर, उसके बाद आपको स्विच पोर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें मेरे पास क्या क्या आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले हम देख लेंगे। तो हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले इंटरफेस का नाम आ रहा है जिसमें नाम और नंबर आपको शो कर रहा है। सेकंड में आपको स्विच पोर्ट दिख रहा है, मतलब आपका स्विच पोर्ट अगर एनाबुल है तो ये लेयर टू इंटरफेस है, अगर स्विच पोर्ट डिसेबल दिखा रहा है तो ये लेयर थ्री इंटरफेस है आपके पास होगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो है वो आपको अभी दिखा रहा है डायनामिक ऑटो, ऑपरेशनल मोड भी एक आपके पास है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और ऑपरेशनल मोड, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आपका ये डिफाइन करता है कि आपने क्या कॉन्फिगर किया है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं, ये VTP से रिलेटेड नहीं है कि इंटरफेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका बेसिकली डिफाइन करता है आपने कौन सा मोड कॉन्फिगर किया है, मतलब कमांड चला के आपने कॉन्फिगर कौन सा मोड कॉन्फिगर किया है, या फिर बाय डिफॉल्ट जो डिवाइस का कॉन्फिगरेशन होता है उसके हिसाब से आपका कौन सा मोड कॉन्फिगर है। और एक ऑपरेशनल मोड आपके पास होता है, ठीक है, ये आपका बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका डिवाइस अभी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद कौन से मोड पे काम कर रहा है, ये आपका डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो क्या है ना, जब भी हम स्कूल में कोई बच्चे को भेजते हैं या फिर आपके क्लास में जब भी हम कोई बच्चे को भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे स्टूडेंट के हिसाब से उसका मोड जो है हम स्टूडेंट सेट करते हैं और उसे भेज देते हैं कॉलेज। फिर उसके बाद कॉलेज में वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है, कौन से मोड पे वो चल रहा है, पढ़ाई वाला मोड पे या फिर गुंडागर्दी वाले मोड पे या फिर कोई दूसरे मोड पे वो चल रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पे होता है, जो हमने स्टूडेंट बना के उसे भेजा तो ये हमारा मोटिव यही था कि चलो इसको स्टूडेंट बना दे, इसके लिए हमने स्टूडेंट के लिए उसका एडमिशन वगैरह सब कुछ करके आगे भेज दी। मतलब हमने क्या मोड कॉन्फ़िगरेशन किया, मैनुअली ट्रंक किया या फिर डायनामिक ऑटो हमने किया या फिर डायनामिक डिजरेबल किया, क्या मोड हमने कॉन्फ़िगर किया या सेट किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड बताता है। ऑपरेशनल मोड आपको ये बताता है कि आपका डिवाइस उसके बाद आपका क्या काम कर रहा है, कौन से मोड पर वो काम कर रहा है।
ठीक है, ये दो मोड, सबसे पहले मोड ये आपका बता रहा है कि आप कौन से मोड कॉन्फिगर किए हो, ये कौन से मोड पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था आपका डिवाइस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, बाय डायनामिक ऑटो मोड में आपको देखने को मिलते हैं, और दोनों तरफ आपका डायनामिक ऑटो मोड होता है, इसलिए आपका स्टैटिक एक्सेस बन जाता है। तो इसमें आपका क्या है, ऑपरेशनल मोड बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एक्सेस चल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आपने डायनामिक ऑटो लिखा है, और बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइस के मोड आपका जो है डायनामिक ऑटो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सिस्को डिवाइस के बारे में बात करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट मोड जो है आपके पास क्या होता है, डायनामिक ऑटो। इसलिए मैंने जैसे आपको बताया था दोनों तरफ डायनामिक ऑटो है, तो आपका स्टैटिक एक्सेस बन जाता है, उसने स्टैटिक एक्सेस जो है बना दिया है। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन यहाँ पे नेगोशिएट आपका है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन जो है ना वो नेगोशिएट इसलिए आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये इंतजार करेगा आपका कोई भी, अगर नेगोशिएट मोड अगर आपका पास है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास अगर कोई नेगोशिएशन का मैसेज भेज देता है तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं नेगोशिएट कर लूँगा। ठीक है, नेगोशिएट मोड का मतलब यही होता है कि मेरे पास अगर कोई नेगोशिएशन का मैसेज भेज देता है तो मैं क्या करूँगा, खुद को नेगोशिएट कर लूँगा, हालांकि मैं आगे नहीं भेजूँगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑटो मोड है ना ये डायनामिक ऑटो मोड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो, आपको अगर भूख लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास खाना नहीं है और आपको भूख लगा है, तो भूख लगा है मतलब आप खाने के लिए इच्छुक हो, फिर आप क्या करते हो, आप किसी से मांग नहीं रहे हो, क्योंकि आपका मोड डायनामिक ऑटो है, तो इसलिए आप किसी को मांग नहीं रहे हो, क्योंकि भीख मांगना आपको पसंद नहीं, आप क्या करते हो, आप इंतजार करते हो, कोई मेरे को खाना दे दे तो मैं खा लूँगा, और आपको कोई खाना दे देता है, आपको भूख है, तो इसलिए आप क्या करते हो, खा लेते हो। तो इसी तरह आपका ऐसे ही होता है, अगर आपका मोड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका नेगोशिएट मोड होता है, नेगोशिएट मोड मतलब आपका यही होता है कि कोई अगर मेरे को ट्रंकिंग का नेगोशिएशन मैसेज आगे से भेज दे तो मैं खुद को नेगोशिएट कर लूँगा। और ये मोड अगर आपका नेगोशिएट है तो आपका डीटीपी का मैसेज भी पास होता रहता है, ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन वाला, सॉरी ट्रंकिंग नेगोशिएशन का मैसेज नहीं डायनामिक ऑटो पे, लेकिन आपका जो भी इंटरफेस पे आपका नेगोशिएट मोड देखने को मिलेगा उससे आपका क्या होता है, डीटीपी का मैसेज पास होता रहता है। और आपका यहाँ पे ऑपरेशनल ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन नेटिव, इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका टैगिंग एनकैप्सुलेशन आप डॉट वन को यूज करते हो तो उस केस में अगर आपका डिवाइस जब भी डीटीपी का मैसेज भेजता है वो क्या करता है, नेटिव वीलैन में आपका जो मैंने आपको बताया था ना आपका कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक होता है वो आपका पास होते हैं कहाँ पे, नेटिव वीलैन के जरिए। तो आपका क्या होता है, नेटिव वीलैन में ही पास होता है और इसमें कोई टैग नहीं होता है। इन केस ऑफ ISL इट विल बी टैग्ड। And will pass via villain one. ठीक है, तो आपको पता है ना ISL में आपका क्या होता है, नेटिव विलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डॉट वन क्यू में आपका नेटिव विलन होता है। इसीलिए अगर आपका डॉट वन क्यू चल रहा है तो उस केस में आपका क्या होता है, डीटीपी का मैसेज आपका डॉट वन क्यू के जरिए ही आपका पास होता है, मतलब सॉरी नेटिव विलन के जरिए आपका अंटागो के पास होता है। अगर ISL है तो उस केस में आपका विलन वन में ही सेंड होता है और ये टैग होके जाता है, क्योंकि ISL में आपका नेटिव विलन ऐसा कुछ नहीं होता है अनटैग वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग आपका ऑन दिखा रहा है, यहाँ पे भी आपका नेगोशिएट था तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये नेगोशिएट ऑफ ट्रंकिंग आपका ऑन दिखा रहा है। और एक्सेस मोड आपका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप डायनामिक एक्सेस आपका बन जाता है तो उस केस में आपका क्या है, तो उस केस में आपका क्या होता है, जो वीलन वन है ना उसका मेंबर वो बन जाता है बाय डिफॉल्ट, जो आपके पास डिफॉल्ट वीलन है, तो इसमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देके रखा है। और सॉरी यहाँ पे मैंने आपको वो जो डायनामिक ऑटो था ना उसका मोड था, लेकिन यहाँ पे वो डायनामिक एक्सेस आपका नहीं बना है, ये स्टैटिक एक्सेस ही आपका बाय डिफॉल्ट जो स्विच का है उसके हिसाब से बना है, मैंने गलत उस टाइम मैंने स्टैटिक एक्सेस की जगह डायनामिक आपको बता दिया।
हम जब मतलब दोनों तरफ अगर हम डायनेमिक ऑटो खुद कर लेंगे तो उसके बाद ये आपका डायनेमिक एक्सेस बन जाएगा, हम देखेंगे टेस्ट करके, ठीक है। और ट्रंकिंग नेटिव विलन मोड आपका विलन वन के लिए ये नेटिव विलन है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेटिव विलन टैगिंग आपका एनेबल है, ठीक है। और आपका वॉयस विलन वगैरह ये सब चीज़ आप छोड़ दो, प्राइवेट विलन वगैरह कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो। उसके बाद ये भी प्राइवेट विलन का आपका आ गया, ठीक है। ऑल विलन के लिए ये अगर ट्रंक बनता है तो ऑल विलन के लिए ये ट्रंकिंग कर सकता है। और विलन प्रूनिंग के बारे में आप छोड़ दो, VTP के टाइम हम देखेंगे प्रूनिंग के बारे में। प्रोटेक्टेड पोर्ट फॉल्स एप्लीकेशन ट्रस्ट छोड़ो, इसके बारे में ये सारे बहुत सारे आपका स्विचिंग का फीचर है, जैसे प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड पोर्ट वगैरह बहुत सारे लेयर टू फीचर्स आपके हैं, जब हम आगे देखेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख लेते हैं कि DTP को हम एनेबल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा डिवाइस कौन कौन से पोर्ट के साथ कनेक्ट है। इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस इथरनेट 0/1, उस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हम चले जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, जब हम स्विच पोर्ट ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन, हम जो भी एनकैप्सुलेशन हमें सेट करना है वो हम सेट कर लेंगे .1Q या फिर ISL। हालांकि जब हम ट्रंक के बारे में ट्रंकलिंग कॉन्फ़िगर किए थे इसके बारे में हम बात किए थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क चलाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा था, आपको जैसे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाला कमांड हमने चलाया था और एक्सेस वाला कमांड हमने चलाया था, ठीक है। .1Q टनल वाला चीज़ आप छोड़ दो, ये Q&Q टनल वाला एक होता है, लेटेस्ट फीचर में आता है, हालांकि आपको वो वाले में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये उसके लिए होता है। और हमारे पास एक डायनामिक है कमांड, ये हमारा काम का है, ठीक है। हम जब भी मैनुअली ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हम ये कमांड चला रहे थे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अगर एनेबल कर लेते हैं तो हमारा क्या होता था, मैनुअली जो ट्रंक है ना वो चल जाता था। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डायनामिकली जो DTP चला कर देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक, उसके बाद आप देखना क्या क्या ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, एक ऑटो है जो कि डायनामिक ऑटो है, और एक डिजायरेबल मतलब डायनामिक डिजायरेबल। आप कौन सा मोड सेट करना चाहते हो, आप ऑटो मोड के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑटो सेट कर सकते हो, और अगर आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे एंड पे जो मेरे पास स्विच है, उस स्विच पे मैं चला जाऊँगा, सेम चीज़ में 0/1 के साथ मेरा कनेक्ट है। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, डायनामिक ऑटो बना के सबसे पहले देखेंगे स्विच पर ट्रंक। मैंने आपको बताया था दोनों तरफ आपका एनकैप्सुलेशन जो है वो सेम होना चाहिए, तो उस तरफ हमने एनकैप्सुलेशन .1Q रखा है, तो यहाँ पे भी एनकैप्सुलेशन हमें .1Q रखना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड डायनामिक, हम क्या करते हैं ऑटो, पहले वाला जो मोड हमने लिया था वो ऑटो वाला हम करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रंक लिंक अगर हमारा बन जाता है तो उसका आउटपुट देखने के लिए मैंने आपको कमांड बताया था 100 इंटरफेसेस ट्रंक, अगर ये कमांड हम चालू करते तो हमें ट्रंक लिंक देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे हमें कोई ट्रंक लिंक देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम 100 इंटरफेस ट्रंक वाला कमांड चलाते तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, इसका मतलब कोई भी लिंक हमारा ट्रंक लिंक नहीं बना है। तो सेम कमांड हम चला लेते हैं 100 इंटरफेस इथरनेट 0/1, उसके बाद स्विच पोर्ट जो कमांड हमने चलाया था। अभी हम देखेंगे हमारा मोड जो है वो क्या बना है। अभी के लिए भी ऑपरेशनल मोड आपका स्टैटिक एक्सेस दिखा रहा है ना, ये चेंज होना चाहिए। शायद ये ऑपरेशनल मोड का जो आउटपुट है ना उसमें वो स्टैटिक एक्सेस लिख रहा है, लेकिन ये आपका जो है ये डायनेमिक एक्सेस होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस पोर्ट बन जाता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सेम पोर्ट पे मैं जाता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हम पहले बना लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मैनुअली ट्रंक पहले बना लेते हैं।
अभी अब देखो आप मैनुअली ट्रंक जब मैंने बना दिया तो यहाँ पे आपको जो 0x1 इंटरफेस है ना वो आपका ट्रंकिंग दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसे डायनामिक ऑटो इस तरफ बना लेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया था अगर एक तरफ आपका डायनामिक ऑटो है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जो ट्रंक लिंक आपका है ना वो आपका बन जाता है, ट्रंकिंग हो जाता है आपका नेको सिस्टम। आप देखो एक तरफ मैंने डायनामिक ऑटो बना लिया, एक तरफ हमारा मैनुअली ऑटो है, फिर भी हमारा ट्रंकिंग जो है वो चल रहा है। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं क्या कर लेता हूँ, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो कर लेता हूँ, तो उस केस में मेरा क्या है, अभी ट्रंकिंग का आउटपुट में मेरे को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आउटपुट में मेरे को इथरनेट 0x1 जो है वो मेरा ट्रंक लिंक बना है वो मेरे को देखने को मिला है, और दोनों तरफ मैंने मैनुअली करके रखा है। अगर मैं इसे कर लेता हूँ 100 VLAN ब्रीफ, तो आपको देखने को मिलेगा 0x1 जो पोर्ट है ना वो किसी भी VLAN का मेंबर नहीं है। VLAN 1 के लिए अगर आप देखोगे तो आप देखना इथरनेट 0x0, 0x2, 0x3 इस तरह का है, ठीक है। ये किसी भी VLAN का मेंबर नहीं, मतलब ये ट्रंक लिंक बन चुका है। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने दोनों तरफ भी मोड जो है वो डायनामिक ऑटो मैंने कर लिया, अभी के लिए अगर मैं डू सो VLAN ब्रीफ करके मैं देखता हूँ, तो आप देखना वो इंटरफेस ऑटोमेटिकली जो आपका बाय डिफॉल्ट VLAN है ना, VLAN जो 1 है उसके मेंबर बन जाता है, ठीक है। अगर इसे मैं और थोड़ा टेस्ट करने के लिए चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, फास्ट इथरनेट 0x1 पे मैं चला जाता हूँ, सॉरी इथरनेट 0x1 पे स्विच पोर्ट मोड में क्या करता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस, मैंने VLAN 10 का मेंबर इसे बना लिया, ठीक है। इस तरह भी मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना लेता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी VLAN ब्रीफ करके, तो आप देखो अभी के लिए ये मेंबर कौन सा है, 0x1 का मेंबर है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसे क्या करूँगा, ट्रंक बना के देखूँगा। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक मैंने क्या किया, ऑटो मैंने कर लिया। इस तरफ भी मैं सेम करूँगा, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, डायनामिक ऑटो मैंने कर लिया। अभी अगर मैं VLAN ब्रीफ करके देखता हूँ तो एक सेकंड, ये उसी VLAN का मेंबर क्यों बना भाई, ठीक है। अभी अगर मैं VLAN ब्रीफ करके देखता हूँ तो ये मेरा ट्रंक लिंक बन गया है, तो ये किसी भी VLAN का मेंबर नहीं है। लेकिन इससे पहले ये मेरा कौन सा मेंबर था, VLAN 10 का मेंबर था। अगर उसमें मैं कुछ भी छेड़खानी अभी के लिए करता हूँ, मतलब मैं VLAN 1 का मेंबर उसे नहीं बना रहा हूँ, फिर भी कुछ भी छेड़खानी करता हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाना चाहिए, VLAN 10 का मेंबर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले मेरा VLAN 10 का मेंबर था। लेकिन अगर मैं इसे डायनामिक ऑटो कर लेता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा VLAN 10 का मेंबर नहीं होगा। अरे सेम VLAN का मेंबर हो रहा है अच्छा ठीक है, आप थोड़ा इसको मैं क्लियर करके आपको कॉल बताता हूँ, ठीक है। आप जो पहले स्टेटमेंट मैंने दिया है उसको आप याद रखना, लेकिन बाद में मैं कॉल इसे थोड़ा देख लेता हूँ टेस्ट करके, शायद ये ईव के ऊपर ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है मेरे को क्लियर पता नहीं, लेकिन स्टेटमेंट तो बुक में भी यही बता रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। और एक ही मोड हमारे पास बचा था, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, ठीक है, हम देख लेंगे कल। और दोनों तरफ अगर मैं डायनामिक डिजायरेबल कर लेता हूँ,
तो फिर भी मेरा ट्रंक बन जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। ये हो गया, और हम अभी क्या करेंगे, मैं इसे एक काम करूँगा, एक तरफ मैं डायनामिक ऑटो कर लूँगा, ठीक है। अगर एक तरफ भी मैं ऑटो कर लेता हूँ और दूसरे तरफ भी मैं क्या करता हूँ डायनामिक डिजायरेबल कर लेता ना, तो उस केस में भी आपका ट्रंकिंग जो है वो बन जाता है। तो ये कहानी थी आपका डीटीपी के ऊपर, और वो जो आपका था जो विलन, जो भी विलन लास्ट का मेंबर था उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए हालांकि, लेकिन क्यों हो रहा है, शायद मेरा स्टेटमेंट गलत है बुक का या फिर क्या, मेरे को पता नहीं, वो देखना पड़ेगा थोड़ा, मैं देखने के बाद कल आपको बता दूंगा।